नमस्कार दिन तमाम रो टिक नै खबर स खबर नाइन बुलेटिन को स्वागत करू छी मु बापी खबर आरंभ करबा मुख्य खबर रु पद्म धरिले बैजयंत कहिले 22 वर्ष धरि बीजेपी रे मिसिबा पई करथिले चेष्टा एपटे बीजेडी कहिला किछि फरक पडिवनी मालकानगिरी मैट्रिक उत्तर खाता गायब होगा घटना कार्यानुष्ठान देला बोर्ड कर्तृपक्ष एने दुई जन सस्पेंड जटणी अभावनीय घटना साप कुकुर मध्य लड़े निजे मरी मालिकर जीवन बचाइला कुकुर टाइसन निर्वाचन लड़बेनी सांसद तथागत शतपथी एने स्पष्ट कले तथागत कहले पुओ मना करुछि निर्वाचन लड़ाकु पुणी कालबैशाखी नहीं सतर्क 18 जिला को कालबैशाखी नहीं सतर्क कला पाणिपाग विभाग वज्रपात सह झड़ तोफान होने आशंका एबे संपूर्ण खबर वर्तमान ओडिशा राजनीति में बीजेपी बड़ भूमिका रही बेले बैजयंत पंडा बीजेपी योगदान दल को लाभ देव बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नुआदिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केन्द्रापड़ार पूर्वतन सांसद तथा वरिष्ठ नेता बैजयंत पंडा विधिवत भाव बीजेपी में सामिल होगा पर श्री प्रधान कहते बैजयंत पंडा सांसद भाव में उभय लोकसभा और राज्यसभा निजस्व परिचय सृष्टि कर पारिछन्ति श्री पंडा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी में जोगदेवा निर्णय कर श्री प्रधान अभिनंदन जनाई से कहते श्री पंडा अनेक समय मोदी विचार सह सहमत हो मंतव्य देवा कारण से दल भितर विरोधर सामना करते मात्र श्री पंडा सबुबले निज मत स्थिर थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्वस्तरीय नेतृत्व को समस्त दिग्वर समर्थन मिलता बेले यह दिग्वे श्री पंडा पदक्षेप स्वागत योग्य बोली केन्द्रमंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान रीजनल पार्टी फॉर्म कर रहे थे ये संभावना थी और दुख की बात की ये 22 साल लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का नेतृत्व को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि ये भारत को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है अच्छा परवर्ती खबर को मालकानगिरी जिला पड़िया एसएसडी हाईस्कल मैट्रिक परीक्षार गणित और एमआर सीट गायब मामलें कार्यानुषान ग्रहण कर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक विद्युत कुमार पात्र और उपअधीक्षक शत्रुघ्न स्वाई को जिलापा एवं निलंबन करलंबन आदेश आसवा पूर्व से ना थाना एतला दि जाता माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्देश क्रमे स्थानीय बीओ और पड़िया थाना यही दुई अधिकारी ना एतला दि जाता एथस परीक्षा केन्द्र में निरीक्षक और जड़े पिओन ना एतला दि जाता बोर्ड सभापति जहार आरा बेगम एने गत सूचना देते पुलिस तदन सर पर ही बोर्ड जहाँ किसी कार्यानुषान ग्रहण कर दुई दिन तले पड़िया एसएसटी हाईस्कल परीक्षा केन्द्र गणितर 108 और एमआर सीट्र गायब हो जाता शनिवार यह स्कूल में 108 पिला परीक्षा देते किंतु ता पर दिन अर्थात रविवार दिन सका एमआर सीट मिल ना चलित बर्ष परीक्षा आरंभ ही प्रश्नपत्र भाइराल खबर आसी प्रथम दिन में मातृभाषा ओडिया प्रश्नपत्र भाइराल होता बेले शनिवार गणित प्रश्नपत्र सेट डी भाइराल होता परीक्षा चली बेले बलांगीर और कलाहांडी गणित प्रश्न भाइराल होता एक घटन तीन जन को सस्पेंड कर अच्छा आउ एक खबर को मालिक जीवन देला कुकुर साप को मारा निजे मला हेले घर भितर को पशिवाक देलानी एभली घटना देखा मिली जटणी में मालिक को बचाईवाक जा नागसाप लड़े कर कुकुर टाइसन घटनाटी गत काली रात घटी जटणी रोकवा अरिफ अमन पर गत काली रात दुईटे पोषा कुकुर टाइसन बारंबार भोगवा फल उठी पड़ते पर लोके देखते टाइसन नागसाप को बाट छाड़ी नागटी आरिफ घर भितर को पशिवाक चेषा कला बेले कबाट अगा टाइसन टाइसन नागसाप लड़े जाल टाइसन साप को मार सक्षम होता किंतु नागटी टाइसन रामपट पार्टी को कामुड़ी देता आउ साप विषय पोषा कुकुर टाइसन भी प्राण हर
आनंदपुर सहर रे ऐतिहासिक फकीरपुर बालंकेश्वर मंदिर आनंदपुर उत्तरेश्वर मंदिर घसीपुर झाड़ेश्वर मंदिर में गतकाली शिवरात्रि धूमधाम अनुष्ठित होई भोर 4 समय मंदिर नीतिक्रांति अनुजाई पूजा कार्य पर भक्त मान दर्शन निम्ते बारिकेट और धाड़ी दर्शन पर छड़ा गतकाली सोमवार जागर पड़ महाप्रभु दर्शन लगे प्रबल भक्त समागम होता शैव पीठ गुड़िक शांति श्रृंखला रक्षा करने विभिन्न स्वेच्छासेवी अनुष्ठान पुलिस प्रशासन तरफ शांति श्रृंखला रक्षा करने पुलिस मुतयन कर ये आविर्भाव ये स्वयं आविर्भाव के आविर्भाव कहीं प्रकृत वर्णना करना कि मो जानवर मुझे जानी ये जो मंदिर 1940 मसीह या पवित्र बैतरणी नदी कूल ये अवस्थित पुण्यतः बैतरणी को गंगा ठार अधिक भावी लोक मैंने वारुणी स्नान करती आज जो जगर मेला हजार हजार भक्त नदी में बुड़ पक ठाकुर दर्शन कर आनंदपुर ब्लक रायपाल प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त गोपाल चरण राम अवसरकालीन संवर्धना सभा अनुषित होती है। अवसर में अवसरकालीन सभा सभापति श्रीजुक्त अतुल कुमार बल मुख्य अतिथि श्रीजुक्त कुमार राउत मुख्य वक्ता दामोदर साहू प्रमुख उपस्थित थे। ग्रामवासी को एतिके अनुरोध करुछि पिला मानकु सचेतन करंतु शिक्षा प्रति आग्रह करंतु एवं पिला मानकु सजाड़ी विद्यालय को छाड़ंतु विद्यालय रे आसी पिला मानको सहित पिला माने कोन करुछंती शिक्षक मानको सहित कथाबार्ता करी विद्या रे पिला माने केन भलो पाठ पढ़ी परे से विषय रे आलोचना करंतु गला परे से मानको देइतुआ खाता पत्र तदारक करंतु एवं सने पाठ पढ़ुछंती के कोन करुछंती से माने आसी शिक्षक सहित आलोचना करंतु तापरे निजे मध्य घरे पाठ पढ़ंतु एही मोर अनुरोध। एक अभूतपूर्व कर्मी समावेश एतिरे ए कर्मी समावेश रे सर्वाधिक संख्या रे माँ माने भौनी माने एठी उपस्थित अछंती एवं सबु वरिष्ठ कांग्रेस लोक जो माने वयस्क कांग्रेस लोक माने गुरुजन माने वयस्क कांग्रेस लोक माने आउ अधिक संख्या रे युवक माने आछंती हजार रु अधिक संख्या रे एकत्रित होइछंती कर्मी माने उत्साहित समस्ते 2019 रे ओडिसा राज्य रे श्रीजुक्त राहुल गांधी नेतृत्व रे भारत वर्षरे सरकार हबो कांग्रेस सरकार हबो। गतकाली बालीगुड़ा सभागृह ठारे प्रशासन तरफ बालीगुड़ा महोत्सव संवर्धना सभा आयोजित हो जाएगी। इस सभा में बालीगुड़ा उपजिलापाल एनजीओ एनएसएस चेयरमैन सांबादिक मणिक संघर कर्मकर्ता विशिष्ट व्यक्ति मैंने योगदान देते सभागृह ठारे अतिथि मानक भोजन व्यवस्था होता फाटकटी को खोला रखी समस्ते चली जा खाद्य खावा आशे निरीह पशु गाईटी भितर प्रवेश कर गाईटी असावधानता हेतु फाटक मुखद्वार पक जा होम पाइप मध्ये गोड़ोटी फसी जाए संपूर्ण नष्ट जनापड़ी सकाल किसी लोक गाईटर चित्कार शुणी निजे बचाक चेस्टा कर विफल होगा पर फायर स्टेशन को खबर देते फायर स्टेशन कर्मचारी मैंने विफल होगा शेष जेसीबी साहय गाईटी को उद्धार कर बालीगुड़ा ग्राम्य निर्माण विभाजन कार्यालय बालीगुड़ा में नूतन गृह शुभ उद्घाटन ग्राम्य मान्यवर ग्राम्य उन्नयन और संसदीय व्यापार मंत्री श्रीजुक्त विक्रम केशरी आरुख द्वारा उद्घाटन कर कार्यक्रम बालीगुड़ा विधायक राजीव पात्र एनएससी अध्यक्ष ममता बेहरा पाटखंडा पब्लिक स्कूल सभापति शेख साहिद प्रमुख उपस्थित थे। बरगढ़ जिला पद्मपुर ब्लक दक्षिण नुआपल्ली महाशिवरात्रि अवसर एक शिव मंदिर प्रतिष्ठा होती इस स्थान में बहुत दिन पूर्व एक छोटिया मंदिर में महाप्रभु शिव पूजा पाते किंतु धीरे धीरे मंदिर भग्न अवस्था सृष्टि होवर एवं बलराम मेहर निज प्रचेषा सुंदर मंदिर की प्रतिष्ठा करते अंचल में खुशी लहरी खेली जाए प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिन धरी चलु जनसाधारण मनोरंजन मीना बजार तथा जानी जात्रार व्यवस्था कर ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଅଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ 80 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାନେ ବରିହା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେକେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ତ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତୋର କ୍ଷେତେ ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟିଛି ତୁ ମୋତେ ଆସିକିରି ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲିକିରି ତ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଆସିକି ଦେଖି ସେ ଜାଗାକେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟିଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସଭାର ସଫାର ବା କରିକି ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବନେଇକି ସେ ପୂଜା କଲା ତାପରେ ପାଖାପାଖି ମୋ ରଜାର ଜମିନ ଥିଲା ମୋ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଜମି କମାବା ଲାଗି ଆସିଲା ସେ ମୋ ରଜାକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ତ ମହାଜନ ଲୋକ ଆର୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଦେଲ କି ତାପରେ ସେଇଟା ମୋ ରଜା ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ଆକାରରେ ତିଆରି କଲି
ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଜାମାନଙ୍କର ଅମଲରୁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେଟାକେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିସାବରେ ଫେର ଭଲ କରି ତିଆରି କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆର୍ ଏଇଟା ଉପରବାଲାର ଦୟାରୁ ସବୁ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛେ। ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଏ ଏରିଆର ଇ ରାଜ୍ୟର ଇ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରୁନ୍ ଶିବ ବାବା ବୋଲିକରି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା କାମନା କରୁଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପବିତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର ବାଙ୍କରିଶ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭୋର 3:30 ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ଓ 4:00 ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋଗ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, ଥାଳିରେ ପହିଲି ଭୋଗରେ ଖଜା, ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ନବାତ, ଗଜା, ଲଡ଼ୁ, ଛେନା, ମିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଗ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ତଥା ବାଲିଛାଇ ଫାଣ୍ଡି ଇଲାକା ଜଖର ଗାଁରେ ଆଜି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ସରିତା ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା କଚେଡ଼ୁ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ 2015 ମସିହାରେ ଜଖର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁକୁ ଲୋକେ ମାରିଦେବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 3 ଜଣ କଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ନିମନ୍ତେ ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ସାଜସଜା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ମନଲୋଭା ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କାଦଡ଼ିଆ, ଠାକୁରପଡ଼ା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସଦଳ ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଶିବଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଡାକିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଲା ବର୍ଷ ପରିକା ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ଉପାସ କରି ଲାଇନ୍ କରିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି, ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖବର 9 ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।